आपको करिए ना। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह बोलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैसेमून, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्लैपिंग कर, क्लैपिंग कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो ये 1.5 किलो चिकन है जिसे मैं सबसे पहले वॉश कर ली हूँ। इसमें डाली हूँ अदरक और थोड़ा सा प्याज का पेस्ट मैं डाली हूँ। उसके बाद 2 चम्मच मैं डाली हूँ लहसुन का पेस्ट। उसके बाद फिर मैं डालूँगी ये 10 से 12 कूटी हुई हरी मिर्च और फाइन चॉप किया हुआ टमाटर है। 3 टमाटर में बड़े बड़े टमाटर को फाइन चॉप में काटी हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं डाली हूँ। उसके बाद ये नींबू का रस मैं डाल दूँगी। जो बचेगा मैं इसे उठा के रख दूँगी। मैं चावल बॉईल करने के वक्त इसे मैं ऐड करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के मैं डाल ली हूँ धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं ना कम डालूँगी क्योंकि मैं कूटी हुई मिर्च डाली हूँ इसमें, हरी मिर्च, तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और मैं बिरयानी मसाला ऐड करूँगी तो उसमें भी ऑलरेडी मसाला में तीखापन रहता है, तो इसी वजह से मैं कम ही डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर। मैं अभी सान का मसाला ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सान का मसाला जो बिरयानी मसाला आता है ना, बहुत टेस्ट होता है उसका बिरयानी, तो वो मैं डाल रही हूँ। और मैं 400 ग्राम में दही डाल रही हूँ। 200 ग्राम का 2 पैकेट था, 400 ग्राम हो गया, तो मैं 400 ग्राम 1.5 किलो चिकन में मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम दही। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक मैं डालूँगी क्योंकि सान के मसाले में ऑलरेडी नमक रहता है, तो नमक आप एहतियात से डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए कहीं। उसके बाद फिर मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा तेल। ऐसे अच्छे से मिक्स करके मैं फ्रीज में इसे रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे 1 घंटा टाइम है बनाने में। तो मैं सोची सबसे पहले मैं ये चिकन को मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ तो फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तभी मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं रख दी। उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में, नमक ख़त्म हो गया था ना तो मैं डब्बे को धो दी थी, तो मैं अब नमक इसमें डाल दे रही हूँ डब्बे में। उसके बाद फिर मैं अब बिरयानी बनाने की तैयारी करूँगी। तो चावल बॉईल करने के लिए मैं सबसे पहले मैं कुछ खड़े मसाले गरम में डाली हूँ। उसके बाद 4-5 पीस हरी मिर्च डाली हूँ। उसके बाद फिर इसे बंद कर देंगे, बॉईल आने देंगे, तब मैं इसमें नमक डालूंगी। उसके बाद आलू फ्राई करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें तेल डाली हूँ। अब मैं आलू को ना खड़ा ही रखी हूँ, मैं पीस में नहीं काटी हूँ, समूचा ही आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ। आलू को फ्राई हो गया है तब मैं इसमें फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर में डाली हूँ। उसके बाद 1/2 गिलास पानी लगा करके आलू को अच्छे से गलने देंगे। तो स्लो फ्लेम पे ही आलू गलने देंगे क्योंकि आलू में काटी नहीं, खड़े हैं आलू, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं स्लो फ्लेम पे कवर करके आलू को गलने दूंगी। इसमें अभी मैं डाल लूँ 4 चम्मच नमक क्योंकि अभी अच्छे से बॉईल नहीं हुआ है, थोड़ा अच्छे से और बॉईल आ जाएगा पानी में तब मैं चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 किलो मैं चावल ऐड कर रही हूँ। 1.5 किलो चावल का मैं बिरयानी बना रही हूँ। अभी जो शुरू में आप देखें तैमूर केक कटिंग कर रहे हैं गाइस, तो किसी का बर्थडे उड्डे नहीं था, बस उनके पापा लेकर के आए थे केक, तो तैमूर काटे, तो हमेशा उनके पापा लाते रहते, छोटा ऐसा केक था, तो ये तैमूर कटिंग उनको बहुत अच्छा लगता है तैमूर को केक काटने में, तो इसी वजह से क्योंकि मोबाइल में देखते हैं ना तो कले क्लैपिंग करते हैं कि बर्थडे, तो इसी वजह से उनके पापा लेकर के आए थे। तो देखिए अभी मेरा चावल नहीं हुआ है, थोड़ा सा और चावल गलेगा। जब तक मैं इधर आलू रेडी हो गया तो मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि अब मुझे चिकन रेडी करना है। तो चावल भी मेरा समझी हो गया है, तो मैं चावल हस्बैंड को बोलूँगी पानी उनका निकालने के लिए चावल का, क्योंकि अब मेरे हाथ में भी दर्द है ना, तो हमसे डेक्ची नहीं उठ पाएगा, तो उन्हीं को बोलेंगे पानी निकालने के लिए चावल का। उसका देखिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, तैमूर मुबशर इधर लगे हुए खिदमत करने के लिए अपने पापा का। तैमूर को थोड़ा सा आवाज़ दिए तो दौड़ करके चले आए, वो बहुत बदमाश है तैमूर। उसके बाद मैं प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं चिकन को ऐड कर दूंगी। आप जब चिकन मैरिनेट किए थे ना तो उस टाइम में भी प्याज फ्राई करके आप क्रश करके रख सकती थी इसमें, तो और अच्छा बनता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था ना, संडे का दिन था, अकेले मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसी वजह से मैं मसाले सब मैरिनेट कर दी और सोची कि मैं डायरेक्ट प्याज फ्राई करके उसमें चिकन ऐड कर दूँगी जैसे अभी मैं की हूँ, यही मैं सोची हुई थी।
और मेरा चिकन 1.5 किलो था और कढ़ाई मेरा बहुत छोटा था गाइस, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे चलाने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र जैसे तैसे मैं रेडी कर ही ली। मैं हार नहीं मानी, मैं बोली नहीं अब मैं इसी में बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बड़ा कढ़ाई था नहीं तो मुझे इसी में ही रेडी करना था। चलिए अल्लाह का शुक्र रेडी तो हो गया था, अब मैं लगा रही हूँ लेयर। तो सबसे पहले मैं चिकन डाल रही हूँ लेयर, फर्स्ट मैं चिकन डाल रही हूँ, उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें आलू, आधा आलू मैं नीचे डालूँगी, आधा आलू फिर दूसरे लेयर में डालूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी चावल। तो 1.5 किलो चावल है, 1.5 किलो चिकन, 1 किलो में पूरा आलू डाली हूँ, तो कितना हो गया, 4 किलो हो गया बाबा, क्योंकि मुझे गरीब लोगों को खाना देना था ना, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, शाम भी हो रहा था तो मुबशिर को लेके जाना था। तो उसके बाद देखिए मेरा लेयर हो गया है कंप्लीट, मैं डाली इसमें फूड कलर ऑरेंज, थोड़ा सा मीठा आता और 1 चम्मच के करीब बचा हुआ था गुलाब पानी, तो मैं उसे भी डाल दी, इससे बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है बिरयानी में, लगता है कि हाँ बिरयानी बना है। उसके बाद सिमरन रेडी कर रही है चाउमीन की तैयारी, क्योंकि उनके सिमरन बनाएगी चाउमीन बना रही है, तो खूब सारा सब्जी डाल करके बना रही है अपने पापा के लिए चाउमीन, क्योंकि अभी उनको परहेज ही खाना दे रही हूँ मैं, लेकिन उनको खाना है चाउमीन, तो मैं बोली चलो कम मतलब चिल्ली सॉस ये सब मत डालना, हल्का मसाला दे करके बस उनके लिए चाउमीन बना दो, बस वो खुश हो जाए चाउमीन खा ले। उसके बाद देखिए तैमूर कितना बदमाशी कर रहे हैं, 1 मिनट नहीं सुकून से रहते हैं, तो आप कलर देख सकती हैं चाउमीन का, एकदम हेल्दी एकदम सादा एकदम चाउमीन बना है। तो देखिए मेरा दम पे लग चुका है बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना यम्मी लग रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो अब मैं खाना निकाल दे रही हूँ, तो मेरे पास ये छोटे छोटे डब्बे बचे हुए थे, बिरयानी का ही डब्बा है ये, रेस्टोरेंट से आता था खाना तो मैं डब्बे को धो करके रख देती थी, तो अभी काम आ रहा है, रखा हुआ चीज़ कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है। तो मेरे पास 6 डब्बा ही बचे हुए थे तो मैं निकाल दी, अब बाकी जो ये मेरे बिल्डिंग के नीचे रहते हैं तो मैं प्लेट में ही सबको भिजवा दी थी, ये दूर मुबशिर लेकर के जाएंगे बाइक से देने के लिए। क्या हो रहा है तैमूर, अले कैसा है, यम्मी है, यम्मी यम्मी। तो मैं जा रही हूँ पपीता खाने के लिए, मुझे पपीता खाने का दिल किया है, तो किस किस को खाना है प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, देखने में देखिए कितना प्यारा है, लेकिन अभी देखिए खाने के बाद मालूम पड़ेगा मीठा है कि नहीं, क्योंकि आजकल पपीता ना एकदम मीठा नहीं रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये वाला आपका है, ये लीजिए, ये छोटा, हाँ वो पापा के लिए, कैसा है मम्मा को बताइएगा खा करके, यम्मी था है, मीठा है, मीठा है, मीठा कैसे दिया है पपीता, बहुत बड़ा लेकर के आए, यम्मी है बेटा, मीठा है, मम्मा को खिलाइए ना बेटा, तैमूर बस इस वीडियो का अब मैं यहीं पैन कर देती हूँ गाइस, तो आप लोग न्यू है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो का अब मैं यहीं पैन कर देती हूँ, आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।